अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड उर्दू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंग्रेजी लफ्ज की जिसके उर्दू में बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। वो लफ्ज है वेग। अगर आपको नहीं पता इसका सही मतलब क्या है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मतलब है मुश्किल। जब कोई चीज क्लियर नहीं होती या आप उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते तो वो वेग होती है। The teacher's instructions were vague, so we were confused. Teacher के instructions vague थे, इसलिए हम confusion में थे। दूसरा मतलब है गैर वाज़े या धुंधला। जब कोई तस्वीर या इमेज सही से नहीं दिखती तो वो vague होती है। The figure in the mist was vague, so it was difficult to recognize. धुंध में फिगर vague थी, इसलिए पहचानना मुश्किल था। तीसरा मतलब निकलता है गैर मुकम्मल या अधूरा। जब कोई प्लान या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो वो भी वेग होती है। द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल वर वेग, सो वी फेल्ट द नीड फॉर मोर क्वेश्चंस। प्रपोजल की डिटेल वेग थी या धुंधली थी, इसलिए हमने और सवालों की जरूरत समझी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वेग का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मज़ीद कौन सा वर्ड समझना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।